नाउ हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या होता है? आपने एग्जॉस्टिव केसेस के बारे में पढ़ा कि एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केसेस वो केसेस होते हैं जो कि आप टोटल आउटकम के करस्पॉन्ड आप चाहते हैं कि हम चेक करें कि कोई भी अगर आपका इवेंट है आप उसको जानना चाहते हैं कि अगर एक टॉसिंग ऑफ कॉइन में दो फेवरेबल दो केसेस होते हैं हमारे हेड एंड टेल, बट आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो आप चाहते हैं वही आपका फेवरेबल केस होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि आप टू कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो टोटल फोर एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं उसमें, दैट इज हेड हेड टेल 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 हेड एंड हेड टेल, तो ये टोटल एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं। तो इन केसेस के होने पे अगर हमने कहा कि हमें हम चाहते हैं कि हमें पता चले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कॉइन शोज हेड, मतलब दोनों ही कॉइन्स पे हेड और हेड आ जाए, तो इसका फेवरेबल केस तो हमें इन एग्जॉस्टिव केसेस में से सिर्फ एक दिख रहा है, मतलब एक ही ऐसा चांस है जहां पे जो दोनों हमारे कॉइन्स हैं उनमें क्या आएगा, हेड और हेड ही आएगा। तो जो आपका फेवरेबल केस हो गया वो क्या हो गया, जस्ट वन हो गया। तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन एस जो है आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस वो तो फोर ही है, और जो आपका फेवरेबल केस है वो वन आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हमने ई से डिनोट कर दिया कि ई इज द इवेंट दैट बोथ द कॉइन शोज हेड, तो फेवरेबल केस आपका एक हो गया इन सभी में से और टोटल नंबर ऑफ केसेस फोर हो गया, तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, वन बाय फोर हो गई। अब इसी तरह से आप और कॉइन्स भी बढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेम केस होता है हमारा डाइस के केस में, तो मैं उसका फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता जाता है। अगर देखिए आपसे हमने बात करी है कॉइन की तो बात हो गई, आपसे अगर डाइस की बात करते हैं, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं और हम बोले कि फाइव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक डाइस के टोटल एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने बोला कि व्हाट चांस क्या है कि हम एक बार डाइस थ्रो करें और हमारा फोर आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखिए एक ही चांस ऐसा है, एक ही केस ऐसा है जहां पे फोर आ रहा है, तो फेवरेबल केस वन हो गया और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, सिक्स हो गए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिक्स, दैट मींस फोर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। अगर आपने कॉइन को इंक्रीज करा अगर आपने डाइस को इंक्रीज करा और आपने दो डाइस लिए तो टोटल एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो जाएंगे, 6 to the power 2, दैट इज 36। तो 36 टोटल केसेस हो गए, और हमने आपको बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ आउटकम्स ऑन बोथ द डाइस इज 12, मतलब कि डाइस अगर हम थ्रो करें और उस पर क्या आ जाए, जो डाइस के है ऊपर जो आउटकम आया है उन दोनों का सम हमारा 12 हो जाए, तो उसका एक ही केस होता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइस क्या होता है, डाइस पे 6 और 6 ही होता है, तो एक ही केस ऐसा बनेगा जब ऊपर दोनों पे 6 6 आएगा तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब फेवरेबल केस 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 36 हैं। तो इसी तरह से आपको और भी चेक करना पड़ेगा। अगर जैसे हमने ये बोल दिया कि हम डाइस दो थ्रो करते हैं और हमें क्या चाहिए है, नंबर ऑन बोथ द डाइसेस, जो सम आए दोनों नंबर का डाइसेस पे वो 8 आ जाए, मतलब कि दोनों जैसी कॉइन थ्रो करें, अब एक डाइस है दूसरा डाइस है, इन पे जो भी नंबर आए हैं उनका हम ऐड करें और हमको 8 मिल जाए, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको सारे आउटकम्स अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप उनके केसेस देखिए इस तरह से बना सकते हैं कि पहले डाइस पे 1 आया दूसरे डाइस पे भी 1 आया, पहले डाइस पे भी 1 आया दूसरे डाइस पे 2 आया, फिर 1 and 3 ऐसे करते करते 1 and 6 तक लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 1 2 2, फिर मतलब आप इसको 2 को कांस्टेंट कर दिया तो 2 3 अप टू 2 6 हो गया। अब इसी तरह से 3 4 5 फिर आएगा 6 1 6 2
फिर यहाँ पे आएगा 63 अप टू 66। तो इस तरह से आपको पूरा लर्न होना चाहिए। और हमने अगर आपसे बोला है कि दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आया है उन दोनों का सम 8 होना चाहिए, तो देखिए उसके जो टोटल आउटकम बनेंगे वो क्या होंगे, 62 53 35 44 26। इसके अलावा और कोई भी केस ऐसा नहीं आएगा इसमें जिनपे सम क्या हो, जिनपे जो सम हो वो 8 हो। तो 1 2 3 4 5, तो 5 केसेस ही हमारे फेवरेबल हैं जिनमें सम करने पर 8 आ रहा है। तो फेवरेबल केसेस 5 हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 36। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।